भारतीय टीवी शोज के बहुत से सितारे बॉलीवुड की तरफ रुख कर चुके हैं और कुछ इसकी तैयारी में हैं। हर इंसान चाहता है वो जो भी काम कर रहा है उससे बड़ी जगह जाने का सपना होता है। टीवी के सितारों का भी कुछ ऐसा ही सपना होता है, लेकिन टीवी के कुछ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने छोटे पर्दे पर अच्छा किरदार निभाया लेकिन बॉलीवुड फिल्मों में विलेन बनकर सामने आए। बीते जमाने के विलेन जीवन के बेटे किरण कुमार ने 90 के दशक में तेजाब, खुदा गवाह और बोल राधा बोल जैसी फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन चैनल के सीरियल एहसास से किया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी की जैसे पॉपुलर सीरियल में काम करने वाले रोनित रॉय ने फिल्म का बिल में एक खतरनाक विलेन का किरदार निभाया था। सात फेरे और बैरीपिया जैसे सीरियल में काम करने वाले शरद केलकर ने संजय दत्त की फिल्म भूमि में खौफनाक विलेन का किरदार निभाया था। साल 2000 में कई म्यूजिक वीडियो और कई सीरियल में काम करने वाले विवान अब फिल्मों में आ चुके हैं। उन्होंने फिल्म जुड़वा 2 में विलेन का किरदार निभाया और हालिया फिल्म हिट स्क्रीन में भी विलेन बने हैं। इरफान खान बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में शामिल है। उन्होंने टीवी के पॉपुलर सीरियल चंद्रकांता में काम किया, जबकि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म हासिल में विलेन के किरदार से की थी। संघर्ष और दुश्मन जैसी फिल्मों में खतरनाक विलेन का किरदार निभाने वाले आशुतोष राणा ने करियर के शुरुआती सफर में सीरियल्स में काम किया।